कौन सी क्रीम की बात कर रहे हो आप? दिस इज वेरी गुड. मैंने नया लिया है. पहले मैं हायरम का यूज करती थी. को ऐसे ही पहले ही यूज मत करने लग जाएं किसी की भी वीडियो देखकर कौन क्या यूज करता है. अभी अभी गाइस मैंने वीडियो बनाई है अबाउट मी. सो सब कुछ मैंने बताया है एंड मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी उस वीडियो में. एंड मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की है जैसी मैं हूँ एंड जैसी मेरी लाइफ रही है. एंड बहुत सारी चीज़ें शेयर की है. वो वीडियो जरूर देखना. मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो मेरी क्लॉजेट है ना, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप अपनी छोटी सी क्लॉजेट को कैसे बड़ी स्पेस दे सकते हो, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो. सो इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक ऑन टॉप टू वॉच दैट वीडियो और चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चेंज कर दिया है एंड ये देखो. एंड बाकी सब कुछ वही का वही है. एंड चेक कर लेना कि कैसे मैंने स्पेस बनाई. मैं आपको आफ्टर मंथ जे अपडेट दे रही हूँ. वैसे का वैसा ही ये है सब कुछ. जे बॉक्स है, जे जहाँ जाना है मैंने वहाँ कुछ रखा था इसलिए मैंने मूव कर दिया. सो जरूर देखना जे वीडियो के मैंने कैसे अपनी क्लॉजेट ऑर्गेनाइज की एंड कैसे बनाई इसको बड़ी कैसे स्पेस का सीन. एक्चुअली जे बैकड्रॉप मैं यूज़ करना चाहती थी, इससे मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनती है. डॉक्टर में लुक एट दिस. जे मैंने किए थे अपने क्रॉल. बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि मैं अपने हेयर कर्ल कैसे करती हूँ. एक्चुअली स्ट्रेटनर से करती हूँ एंड वो वीडियो चेक कर लेना. एंड अगेन चाहते हो ट्यूटोरियल देन लेट मी नो कमेंट सेक्शन. मतलब बहुत इजी है कैसे स्ट्रेटनर से आप अपने कर्ल कर सकते हो. देखो खिलारा बिहाइंड का सीन. एंड मैं एक नई चीज़ लेकर आई हूँ. जे रेटिनॉल जे होता है अगर आपके डार्क मार्क्स हैं, हाई पिगमेंटेशन हैं, उनको कम करने के लिए हेल्प करता है. बट ऑलवेज इसके साथ हमेशा आप इसे तो आप रात में यूज़ कर सकते हो, राइट? इसे हमेशा रात में ही यूज़ करें. एंड सनस्क्रीन जरूर लगाएं. सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है. एंड और मैं स्किन केयर में बहुत चीज़ें यूज़ करती हूँ. ये भी यूज़ देखना चाहती हूँ कि मैं अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ. ये तो मैंने नया लिया है. पहले मैं हायरम का यूज़ करती थी. तो मुझे बताना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी. इसको ऐसे ही पहले ही यूज मत करने लग जाएं किसी की भी वीडियो देखकर कौन क्या यूज करता है. हर एक चीज का लाइक मेथड होता है कि कौन सी चीज किसके साथ यूज करनी है. कोई भी सीरम और टोनर आप इकट्ठा नहीं यूज कर सकते. कुछ फेस क्रीम होती है जो इसके साथ यूज नहीं कर सकते. अगर डिटेल चाहते हो तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन ऑन बिलो. सो अगर रेटिनॉल यूज करना चाहते हो तो कम से कम जो उसका परसेंट होता है उससे स्टार्ट करें, ठीक है? मैंने यूज़ किया था इससे पहले, मैंने रखा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो ये था हायरम का उल्टा. हाँ, ये मैंने यूज़ किया था पहले हायरम का. ये बहुत कम परसेंटेज है. अगर आप न्यू हो, आपने कभी भी रेटिनॉल नहीं यूज़ किया तो इससे स्टार्ट करें. सो कम से कम है एंड इरिटेट नहीं करेगा आपकी स्किन को. उसके बाद अब मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ. सो आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे हैं. और भी मैंने बहुत सारे सीरम्स यूज़ किए हैं एंड AMPM एंड डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हूँ. एंड देखना चाहते हो स्किन केयर, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. सो कर लेती हूँ जल्दी से क्लीन. यार रोज़ कितना काम हो. एवरी डे के लिए जो बनाई है, पर मेरी हैबिट क्या है, मैं जहाँ सारा कुछ फिला कर फिर ही मेकअप करती हूँ. आई डोंट नो, आप भी ऐसे करते हो? सो एवरी डे के लिए मैंने ये सेपरेट कैडी बनाई हुई है. इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रख पाती हूँ. एंड अगर देखना चाहते हो कि अफोर्डेबल कौन कौन सा मेकअप होता है तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी किट बनाने के लिए अगर आप बिगिनर हो तो. ये पाउडर बहुत अच्छा है गाइज. ये है रेवोल्यूशन बनाना पाउडर, बेकिंग पाउडर एक्चुअली. एंड ये बहुत अच्छा है. एंड इससे मैं अपनी ब्रो करती हूँ. एंड बहुत सारे मैंने शेयर किए हैं मेकअप ट्यूटोरियल. सो वो ज़रूर देखना. एंड ये ब्रश मैं क्लीन करूँगी, इसे नीचे ले जाऊँगी. ये तो है स्किन केयर. ये मैं यहाँ रख देती हूँ. फेस क्रीम, सो ये डन. इसमें इतना खिलारा नहीं है जी, मैं ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ. सो इसमें ब्रश ले लेती हूँ जो मुझे क्लीन करने हैं ये सारे. एंड मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी किया है कि कैसे मैं अपने ब्रश क्लीन करती हूँ. जी सारे ब्रश
जाएंगे। नीचे इनको करूंगी क्लीन एंड ये ऑयल बहुत अच्छा है स्किन के लिए। होहोबा कैसे बोलते हैं इसे, ये अच्छा है। लुक एट दिस, पहली मैंने ली थी आइकिया से, इसे कहीं भी लेकर जा सकते हो जहां भी आपको मेकअप करना है। 3 टायर्स है इसमें, बहुत अच्छी। एक वीडियो में आपने पूछा था कि मैं कौन सा स्ट्रेटनर यूज करती हूँ, लुक एट दिस गाइस, कार्डेशियन का, कार्डेशियन ब्यूटी। सो ये बहुत अच्छा है, हो गया है क्लीन। अब चलते हैं नीचे। सो मैं हो गई हूँ रेडी गाइज, आज हम जाएंगे स्क्वायर वन एंड वहाँ जाकर मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइडी अप कर लेती हूँ एंड फिर जल्दी से चलते हैं स्क्वायर वन। कौन सी क्रीम की बात कर रहे हो आप? हाँ जी ये होंगी। सो जी हो गया डन क्लीन एंड मुझे करनी है समर की डेकोर। मुझे कुछ नहीं मिल रहा अभी तक, सो ये विंटर की डेकोरेशन है अभी भी, जल्दी से करूंगी इसको भी एंड देखते हैं आज अगर कुछ मिलता है तो। हनी क्या कर रहे हैं तुसी? पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा। सो हमें जाना है स्क्वायर वन में, सो देखते हैं अगर कुछ मिलता है वहां से। मिलेगा तो लेंगे नहीं, मिलेगा लेंगे नहीं, ऐसा होगा कभी? ऐसा नहीं होगा। Ladies, it's pretty good. Two-tone brush. Take it. खोल के देख, पाके देखता पीछे रेड टर्न दिस साइड, नो नो टर्न इधर भी कम है सारा, अदर साइड भी। ये कौन है, की कर रहे हैं तुसी शॉपिंग? अब थोड़ी सी कैंडल्स की शॉपिंग करेंगे बच्चों के लिए एंड घर जाकर बताऊंगी एक्चुअली ये क्या है। वी गॉट अवर ड्रिंक, नाउ वी आर इन अवर कार, हियर वी गो बेब। आज हमने सोचा बाहर ही खा लेते हैं, तो मैं चली गई पिनारा ब्रेड में एंड वहां से कुछ लेते हैं। मैक एंड चीज, दिस इज वेरी गुड हनी, यू वांट टू ट्राई दिस? दिस इज डिफरेंट देन दैट, व्हिच वन? अब हम आ गए हैं घर एंड थोड़ी सी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये कैंडल्स लेकर आई हूँ, ये कैंडल्स बहुत अच्छी हैं एंड इसमें से कुछ निकलेगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो सो दिस इज़ रियली गुड एंड मैं अपने दोनों बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। इसको मैं चला दूँगी क्योंकि इससे एटलीस्ट 3 आवर्स लग जाएंगे जो इसमें चीज़ है निकलने में, तो इसको मैं जला देती हूँ। दोनों कैंडल्स की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी थी। अब मैं राइट आफ्टर 3 आवर्स के बाद आपको मिलती हूँ एंड दिखाती हूँ इसमें से कौन सी चीज़, कौन सा सरप्राइज निकलता है।
ओके गाइस, 3 आवर्स हो चुके हैं, बैग स्मेल्ट हो रही है एंड मुझे दिख गया है जो भी इसमें सरप्राइज है उसे मैं निकालूंगी. ओनली वन में दिख रही है, इसमें अभी भी स्टिल टाइम लगेगा. एंड इसको बंद करके आप निकालें, मैं वीडियो के लिए इसे ऑन ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए थी. एंड इसको किसी चीज़ से, प्लकर से और फोर्क से लेकर आप इसे ऊपर को पुल कर सकते हो लाइक आई एम डूइंग हियर. सो वेरी केयरफुली आप बंद करके इसे निकालें प्लीज़. ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है एंड मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है. एक तरह का आपके लिए सरप्राइज़ होता है कि आपको क्या मिलना है इसमें. सो मैं जल्दी ही दिखाती हूँ खोलकर कि इसमें एक्चुअली क्या है. एंड फॉइल के अंदर अच्छे से पैक होती है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट. लेट्स सी व्हाट वी गॉट. एंड फॉइल के अंदर एक है प्लास्टिक का पैक. चलो अब इस बैग को खोलते हैं, इस बैग के अंदर क्या है. बच्चे बहुत एक्साइटेड है एंड आप देख सकते हो इसमें निकली है एक रिंग. ये कैंडल्स आप किसी को भी दे सकते हो एज अ गिफ्ट. इसमें रिंग्स निकलती है एंड इसमें नेकलेसेस होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज़ आप चूज़ कर सकते हो जो भी साइज़ आप पहनते हो. सो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है अगर आप किसी को देना चाहते हो. नाउ अदर कैंडल से भी निकालूंगी, उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया. जे 3 to 4 hours ले लेती है, वो अभी भी मेल्ट नहीं हुई है. And another one is also ring and this is the design looks like. I love both rings, it looks so pretty. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप आकर कमेंट अपने छोड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे आपके कमेंट्स के आंसर देने बहुत अच्छे लगते हैं. एंड आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो, किस टाइम पे आप मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हो. आप अपनी कंट्री टाइप कर सकते हो, अपना टाइम लिख सकते हो एंड उस टाइम पे मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँगी. एंड कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, मेरे डेली ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, DIY मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड डिकोर एंड ऑर्गेनाइजिंग, जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आई विल मेक एनी वीडियो फॉर यू. एंड नाउ मैं आपको मिलूंगी अनदर कमिंग वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय गाइस.